जी जय हिंद, जोहार, नमस्कार। आप देख पा रहे हैं आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत आज बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के हरीला पंचायत भवन में जा पहुंचा। बताया जाता है मुखिया सुधीर राजवार के अलावे वहां पदाधिकारियों में बीडीओ निशा कुमारी, प्रमुख मीना देवी, उप प्रमुख सभा अंजुम के अलावे पंचायत समिति सदस्य आरती चौरसिया के अलावे काफ़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद दिखे। बताया जाता है धीरेंद्र सिंह, महेंद्र साव, अशोक साव समेत कई लोग वहां पहुंचे और कार्यक्रम को सफल करने में अपनी भूमिका निभाने लगे। बताया जाता है इस कार्यक्रम के दौरान काफ़ी तादाद में जनता जनार्दन और पंचायत के लोगों का जुटान हो गया था। इस दौरान मुखिया के द्वारा कंबल भी वितरण किया गया गरीब वृद्ध बेसहारा लोगों के बीच। वहीं साथ ही साथ मुखिया सुधीर राजवार ने कहा कि पंचायत को चहुमुखी विकास के लिए और जनता के हर सुख सुविधा के लिए बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है और कहा कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम से लोगों को कुछ राहत मिलेगी, इससे उम्मीद है। अब देखना यह है कि कितनी उम्मीद मिलती है। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट बीएनबी जगन्नाथ के साथ। थैंक यू जी। जय हिंद, जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के हरीला पंचायत भवन, जहां पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार तक पहुंची हुई है। अब यह नज़ारा जो देख पा रहे हैं, यहां जो कार्यक्रम जो चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार के तहत कार्यक्रम चल रहा है, ये इन लोगों को देखते हैं। स्टॉल जो लगे हुए हैं, स्टॉल में कितने कितने विभाग में किस किस आवेदन आए हैं, कितने आवेदन आए, उन सब चीज़ों के लिए हम लोग जानेंगे। देखिए पहले इन्हीं से बात करते हैं सर से, कितना सर आवेदन आया आपके विभाग, आपके डिपार्टमेंट में? पंचायती राज व्यवस्था में एक आवेदन आया है जी, उप मरम्मति के लिए। उप मरम्मति के लिए बस बस निष्पादन के लिए आगे कार्रवाई कर दी गई सर, कर दी गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि कार्रवाई कर दी गई है। यहाँ पर और लोग हैं, और कौन से डिपार्टमेंट है आपका जी? आया आवेदन आया? हाँ हाँ। कितना आवेदन आया? लगभग 15-20 आया। किस किस मामले में आवेदन आया? मेरा है लोन की विभाग में, केसीसी लोन का है। आया आवेदन? हाँ। कितना आवेदन आया? 15। आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग? अभी हाँ बाहर अभी आ रहा है, ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? वीर कुमार साहू, कृषक मित्र। कृषक मित्र विनोद कुमार साहू। यहाँ देखिए आयुष विभाग, आयुष्मान कार्ड बन रहा है या कोई मेडिकल का दवाई है सर? क्या अभी दिन भर में जो आपका क्या रहा बताइएगा? लगभग 80 पेशेंट के आसपास पेशेंट देखे हैं। किन किन पेशेंटों का इलाज था? प्राय ज्यादातर लोग यहाँ पे ज्वाइंट पेन, स्किन प्रॉब्लम, बुखार, सर्दी खांसी बुखार लेके आए यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब टीबी रोग के लिए भी आपको टेस्ट किया गया, मलेरिया का भी टेस्ट किया गया, बीपी और शुगर का भी टेस्ट किया। आपका परिचय क्या सर? डॉक्टर संजय कुमार चौधरी। डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का कहना है कि 80 पेशेंट अब तक आ चुके हैं ना, 80 पेशेंट। मैम आप कुछ कहिएगा, कितना आवेदन आया आपके पास? सब सेम ही है। चलिए और दीपक ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जानेंगे किन किन मामलों में आए हैं। सर आवेदन आए हैं आपके यहाँ, कितने आवेदन आए सर? गुरुजी क्रेडिट कार्ड का 3 ठो आया है, 1 ठो और जमा किया, 4 को। ये ऑनलाइन हो रहा है सर? हाँ, साथ के साथ ऑनलाइन हो रहा है। जी तो आप देख पा रहे हैं आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हरीला पंचायत भवन में चल रहा है। पहले भी आपको बीएनबी बता चुकी है। आइए अब हम लोग बात करेंगे बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी से और बता मीटिंग हो रहा है तो हो गया, स्टार्ट गया, एक मिनट का दे दीजिए। चलिए हम लोग बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी से बात करते हैं और जानते हैं कि आज कैसा रहा कार्यक्रम में, बताइएगा। अच्छा रहा कार्यक्रम अभी तक, जैसा अभी सारे पंचायत में रिस्पांस मिला है यहाँ पे भी वैसे ही रिस्पांस मिला है। लगभग सेम एवरेज 1000 के ऊपर आवेदन आए हैं, अलग अलग विभाग से आए हैं। और इन चीजों का हम डिपार्टमेंट का अधिक आवेदन आया है? सबसे ज्यादा तो अबू आवास का ही आया है और उसके बाद कंबल वितरण, सावित्री बाई, सर्जन पेंशन, ये 4 सेक्शन है जिससे सबसे ज्यादा आवेदन आया है। अबुआ आवास का सबसे अधिक आया है? हाँ, अबुआ आवास का। तो देख पा रहे हैं पूरे प्रखंड क्षेत्र में अबुआ आवास का अधिक आवेदन आना, यह साबित करता है कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में मिट्टी और कच्चे मकानों का घर अधिक है। अब जांच का विषय है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगर ऐसा है तो उन लोगों को आवास मिलना भी चाहिए। बताते चले कि इस कार्यक्रम में लगभग बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के कई मुखियाओं ने शिरकत किया है। यहीं पर चैंपियन मुखिया मोहम्मद समीम के अलावे महेंद्र प्रसाद वर्मा जी, सिद्दीकी अंसारी जी, रेणुलाल चौरसिया जो है, आरती चौरसिया जो पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि है, यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी जानेंगे कैसा रहा कार्यक्रम भैया आज का यहाँ पर।
आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छा रहा और यहाँ की जनता की भागीदारी रही, बहुत अच्छे से लोग आए, अपना आवेदन दिए और गए। सबसे अधिक अबुआ आवास, सावित्री बाई फुले और वृद्धा पेंशन, सभी तरह के आवेदन पड़ा है और सभी पर कार्रवाई हो रहा है। मांग करते हैं सभी पर कार्रवाई हो और सभी आवेदन को देखा जाए और सब पर अच्छा काम हो। और हम स्वागत करते हैं यहाँ हमारे पंचायत में वीडियो साहब, सीओ साहब, सभी गणमान्य मुखिया और जनता को स्वागत करते हैं इस पंचायत में कि आप आए और हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख पा रहे हैं कि कार्यक्रम से लोगों को लाभ तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो लोग वंचित रह जा रहे थे, लोगों को घरों में दुबक कर रहना पड़ता था, अब सरकार ही प्रशासन ही द्वार तक पहुंच गया है तो लोगों को लाभ निश्चित रूप से मिल पा रहा है। हम लोग चल रहे हैं मुखिया सुधीर राजभर से बात करेंगे, इनके पंचायत भवन और इनके नेतृत्व अगुवाई में यह कार्यक्रम आज यहाँ सम्पन्न हुआ है। जानेंगे इन्हीं से कैसे कैसे मामले आए और कैसा रहा कार्यक्रम। जी मुखिया जी बताइए। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा और हमारे पंचायत के सभी ग्रामीण को हम लोग पहले से प्रचार प्रसार किए थे, माइक बाजा बनवा करके प्रत्येक वार्ड को भी लगाए, प्रत्येक गांव में भी प्रचार कराए और फॉर्म जो है बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और हमारे वार्ड सदस्य भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन लोगों ने भी पूरा मेहनत किए इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए और अबुआ आवास का ज़्यादा फॉर्म आया है, कम्बल वितरण का 125 फॉर्म आया है और फिर आपका वृद्धा पेंशन, मतलब सरकार के जो भी योजना है उनको यहाँ के हमारे जनता बहुत अच्छे ढंग से लाभ लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में हमारी जनता के अधिक से अधिक सरकारी लाभ मिले और सरकार जो सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम जो चलाया पंचायत में ये बहुत सराहनीय है। हम झारखंड सरकार के मुखिया के ओर से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो देख पा रहे हैं मुखिया जी सरकार के इस कार्य को सराह रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा कार्य है जिससे लोगों को लाभ मिल पा रहा है। सीओ राजेश डुंगडुंग जी यहाँ मौजूद है, कार्यक्रम में लगातार आ रहे हैं। सरकार आपके द्वारा बिजी है, उनकी मोटिवेशनल मीटिंग चल रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और जानेंगे कि कार्यक्रम हो तो देख पा रहे थे अभी ये सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो हरिला पंचायत में निश्चित रूप से लोगों को कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे आवेदक भी मिले जो कहा कि पिछले बार भी आवेदन हमने दिया था सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, उसका निष्पादन नहीं हो पाया है। अगर वैसे आवेदन है तो जरूरत है पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को जांच पड़ताल कर वैसे लोगों का आवेदन का निष्पादन करने की और जरूरत है आप सबको बीएनबी में बने रहने की। तो बने रहे बीएनबी के साथ और आप भी कर सकते हैं बीएनबी के साथ दिल की बात और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।